ओके स्टूडेंट्स, अभी जो हमारी सेकेंड एग्जाम्पल है वो है, इनपुट है हमारे पास द पीसेज ऑफ टू मैंगोज एंड वन ग्लास ऑफ मिल्क. द सेकेंड स्टेप इज प्रोसेस, पुट द पीसेज एंड द मिल्क इन द मिक्सर एंड रन इट. द थर्ड एंड फाइनल स्टेप इज आउटपुट, प्योर द मैंगो यू शेक इन द ग्लास. मीन्स फर्स्टली हमने मैंगो पीसेस लिए थे, सेकेंड हमने मिक्सचर में डाल के उसको जूसर में जूस बना के, थर्ड हमने उसको ग्लास में सर्व किया है. अभी हम ये मैंगो यूज इंजॉय कर सकते हैं. मीन्स हमारा फाइनल रिजल्ट क्या है, मैंगो जूस ग्लास. ओके स्टूडेंट्स, अभी हम ये एग्जाम्पल्स को अपने बॉडी पे के थ्रू आपको अभी हम आपको समझाएंगे. फर्स्ट जैसे है इनपुट था, सेकंड हमारा था प्रोसेस एंड थर्ड हमारा था आउटपुट. हमारे जो इनपुट बॉडी पार्ट्स होते हैं जैसे ईयर्स, नोज एंड आईज, ठीक है, वी हेयर सी एंड स्मेल थिंग्स विद अवर ईयर्स आईज एंड नोज रिस्पेक्टिवली. ओके, दीज बॉडी पार्ट्स प्ले एज इनपुट ऑर्गन्स इन अवर बॉडी. द सेकेंड स्टेप इज प्रोसेस, अवर ब्रेन प्लेज एज प्रोसेसर विच स्टोर्स एंड प्रोसेस द इंफॉर्मेशन गैदर्ड बाय इनपुट ऑर्गन्स. जो कंप्यूटर के पार्ट्स में से सीपीयू होता है वो हमारी प्रोसेसिंग करता है, जो हमारी बॉडी पार्ट्स में से ब्रेन होता है वो हमारी जो इनपुट्स होती हैं वो सारी प्रोसेस करता है. अभी जो इनपुट और सीपीयू होता है वो सिमिलर हो जाता है, जैसे मॉनिटर है, सीपीयू है, माउस है, कीबोर्ड है. ओके, तो अभी जो मॉनिटर का ब्रेन होगा वो क्या हो सकता है वो आपने मुझे फाइंड करके बताना है, ठीक है. थर्ड स्टेप हमारा जो है आउटपुट है, द प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन बाय आवर ब्रेन इज पास्ड टू आउटपुट ऑर्गन्स विच इज आवर माउथ और एक्शन ऑफ आवर बॉडी. व्हेन वी स्पीक विद आवर माउथ इट इज एन आउटपुट एक्शन. थैंक यू.